5 minutes, please go. हाँ हाँ जब जब आज भी आमिर ने खूब भूख लगती है तो फेवरेट डिश क्या होती है आपकी एंड आप इस पर देखिए वो भूख लगने के बाद कोई पसंद का खाना मिले ये ज़रूरी नहीं है। भूख बहुत ज़ोर से लगती है तो कुछ भी मिल जाए खा लेता है आदमी, लेकिन अमूमन मुझे जो है भात दाल और आलू परवल की भुजिया बहुत अच्छा लगता है, जो बचपन में माँ खिलाती थी वो आज भी मेरा फेवरेट डिश है। आपका क्या है सर? वही है, हम लोगों को अगर खाना खाना मिले मार्स के साथ में चावल चावल हाँ उसके साथ में अरहर का दाल और उसमें घी चाहिए, वाह क्या घी डाला हुआ और आलू आलू का या तो चोखा मिले या आलू का भुजिया मिले, भुजिया मिले बस बिहारी इतना हो गया तो बहुत हो गया। सर अगर बात की जाए, आपने छठ का जिक्र किया है जी, तो ठेकुआ और पूरी और कचौड़ी को कितना मिस करते हैं? ठेकुआ, हाँ ठेकुआ तो क्या है, बहुत पवित्र चीज़ है ठेकुआ तो क्या है, जैसे हम लोग अभी लंदन भी लेके जाते हैं ठेकुआ को तो कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि ठेकुआ हम लोग का एक कॉन्शियसनेस बहुत है ठेकुआ के लिए, और ठेकुआ तो ऐसी चीज़ है कि जो एक बार आप ठेकुआ खा लें हम लोगों को घर का तो कोई उसके सामने मिठाई टिक नहीं सकती। ठेकुआ खास करके छठ का जो पर्व होता है बिहार में, उस समय ठेकुआ बनाया जाता था और हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग वेट करते थे कि कब वो समय आएगा कि घर में ठेकुआ बनेगा। तो एक 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 जैसे कहें ना, हम लोगों का बिहार क्या है कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जहाँ पर ज़्यादातर गांव हैं और वहाँ की अपनी परंपराएं हैं, वहाँ की अपनी प्रथा है, वहाँ के अपने खाने हैं और खानों की भी परंपरा है तो जो कि हमारे परवरिश के साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज सर, जब जब आपकी मूवी आती, चाहे जोरम की मैं बात करूँ या साइलेंस टू की बात करूँ, अभी आ रही है भैया जी, आप जो किरदार निभाते हो हमेशा ऐसे लगता है उस किरदार निभा रहे नहीं हो, उसको जी रहे हो आप, कैसे कर लेते नहीं, कैसे कैसे करने के लिए उसके अपने तरीके हैं, पूरी तरीके से उस पर समर्पित होना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलाकार दिख जाए तो फिर ये काम किया क्यों, क्योंकि अगर पूरी तरीके से किरदार दिखे जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे के लिए दर्शक ये भूल जाए कि वो मनोज वाजपेयी को देख रहा है या मैं भूल जाऊँ जब मैं देखूँ कि ये मैं ही हूँ, तब वो सबसे बड़ी सफलता होती है एक एक्टर की। भैया जी आ रही है और भैया जी अनिल जी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है, मेन स्ट्रीम फिल्म है, एक्शन रिवेंज ड्रामा है और हमारी धरती की फिल्म है, हमारे बिहार यूपी के कल्चर से जुड़ी हुई फिल्म है, 24 मई की आ रही है, आप सब लोग देखिएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया, इंतजार कर रही है साथ में फैमिली मैन 3 जी, लोग इंतजार काफी जी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ फैमिली मैन 3 का, बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर आएगी। सर, यू स्पोक अबाउट एंटरटेनमेंट बीइंग अ इंटरेस्टिंग बिजनेस फॉर द ग्रुप राइट नाउ, सो व्हाट इज इट लाइक, व्हाट स्टेज इज इट एट राइट नाउ और हाउ लॉन्ग बिफोर वी एक्चुअली सी सम मूवमेंट, इफ नॉट फ्रॉम अ प्रॉफिट मेकिंग पर्सपेक्टिव बियॉन्ड दैट एज वेल? हम लोग कोई हम जानते भी नहीं है एंटरटेनमेंट की कोई में क्या किया जाता है, हमारा जो काम है वो इंटरटेनमेंट है। हमारे काम हम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, हमारी लड़की ने हम लोग स्टेडियम भी बना रहे हैं, हम लोग फुटबॉल की भी हमारी टीम है, हमारे जो जितने भी काम करते हैं हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सब स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, हेल्थ में भी हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे 3-4 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, हमने कभी इंटरटेनमेंट में देखने के अलावा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये ट्रेंड है अमेरिका में भी कि जहाँ पर कॉरपोरेट और इंटरटेनमेंट ये साथ में चलते हैं, कुछ ना कुछ वो हिस्सा उसमें उस हिस्सा, ये नहीं कि वो खुद फिल्म बनाते हैं, कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं जी, उनको सहयोग की बहुत ज़रूरत है ऊपर उठाने के लिए, वो हिंदुस्तान में कम है, वो बहुत ज़रूरी है कि कॉरपोरेट आगे बढ़ के वो प्रॉफिट के माध्यम से नहीं देखें, कल्चरल के माध्यम से देखें, ड्रामा थिएटर मूवी इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट देखने से काम नहीं हो सकता है। मनोज सर, जैसे कि इसका जो थीम है वो आपने खाना खाया कहिए, लेकिन अभी अगर हम बांद्रा ये सब जगह देखें तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे जो घूमते रहते हैं, तो आपको लगता है कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, मतलब जो जिस बड़ी पहचान जो फेम वाले हैं, उनको ये सब खुद पर्सनली इनिशिएटिव लेना चाहिए? बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे मैं जिनको नहीं भी जानता हूँ, आपको नहीं पता
ये सारी बातें वो लोग करते नहीं हैं, लेकिन सबके सब किसी न किसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। कला आजकल के कलाकारों में अच्छी बात है कि वो समाज के सारे के समाज में वो अपना योगदान देना चाहते हैं और सब और प्रकृति से जो ले रह लिया है उसको वापस भी करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ कि जो लगातार इस तरह की चीज़ों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अनिल सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि आप बिहार में भी शुरुआत करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज के सेटअप के साथ, तो सर ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा जो आप मुंबई से जो है बिहार ले जाएं ताकि जो वहां के लोग हैं जो यहां आकर जॉब कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। हम तो कैटलिस्ट बनेंगे, एक बार चालू करेंगे तो लोग आते जाएंगे, क्योंकि बिहार में पहले भी इंडस्ट्री कल्चर था, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइज़र कंपनी, ऑयल कंपनी वहाँ थी, तो हम सबसे पहले क्योंकि हमारे हम तो सूरज भगवान की सिर्फ पूजा करते हैं, तो रिन्यूएबल में हमारा बहुत इच्छा है कि रिन्यूएबल एनर्जी हम बिहार में करें, एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी करें, कॉपर इंडस्ट्री भी करें, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है क्योंकि सबको स्टेबल सरकार चाहिए, ठोस सरकार चाहिए, वो आने वाली है, ये सब टाइम का सवाल है, जैसे आएगा मैं वादा करता हूँ कि मेरा ध्यान पूरा उस तरफ लगा हुआ है, लेकिन जब तक कि बैंक और शेयर होल्डर मेरे को साथ नहीं देंगे, उनको मैं कागज़ पर नहीं दिखाऊं कि ये सही जगह है, सही स्टेबल है, तो वो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन रिन्यूएबल का काम हम जल्दी चालू करेंगे।